हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र के बारे में। इसमें हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक परिदृश्य को देख चुके थे। इससे पहले जितने भी हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है हमारी अपनी समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से जो सूची बनी हुई है उसी में पड़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक परिदृश्य। इसमें बात करना है हम लोगों को, आगे टॉपिक था उद्योग क्षेत्र, वो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को खत्म कर चुके थे। उद्योग क्षेत्र देखना है हम लोगों को, ठीक है? उद्योग क्षेत्र, ठीक है? HPCL एवं PGCIL को महारत्न का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 2019 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इन दोनों को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद 20 नवंबर 2019 तक महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 10 हो गई है जो निम्नलिखित है। तो आपको सबसे पहले किसी भी एग्जाम में हो, वनडे में भी पूछा जा सकता है कि कितनी, अब कितनी महारत्न कंपनी हो गई वर्तमान में, तो आपको बताना है 10। अभी करंट में किसे मिला हुआ, सबसे बाद में किसे मिला हुआ है महारत्न का दर्जा, तो आपको याद रखना है HPCL और PGCIL, या इसे इन फुल फॉर्म इसका याद रखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है? अब हम 10 पूरी देख लेते हैं कौन कौन सी है 10, ठीक है? तो इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL, गेल इन लिमिटेड इंडिया है, फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड, फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, फिर पावर ग्रेड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक। इसके अतिरिक्त वर्तमान 20 नवंबर 2019 तक में नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 14 है, ठीक। महारत्न है 10 और नवरत्न है 14। आगे बात करते हैं, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर संचालन, ठीक है? 12 फरवरी 2019 को जहाज रानी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रमुख बंदरगाहों से ने अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के बीच 578.86 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया है, जो विगत वर्ष की समान अवधि में संचालित 561.29 मिलियन टन कार्गो की तुलना में 3.11% अधिक रहा है। कार्गो यातायात के संचालन में सर्वाधिक बढ़ोतरी कामराजार बंदरगाह द्वारा दर्ज की गई है, 15.56%। इसके बाद हल्दिया सहित कोलकाता बंदरगाह 9.86%, कोचीन पर 8%, JNPT पर 7.46% और पारादीप बंदरगाह पर 6.4% का स्थान है। अप्रैल 2018 से जनवरी 2018 के दौरान दीनदयाल कांडला बंदरगाह ने मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक यातायात अर्थात 94.55 मिलियन टन का संचालन किया है। इन बंदरगाहों से ने कुल मिलाकर प्रमुख बंदरगाह यातायात के लगभग 60% का संचालन किया है, ठीक। आगे बात करते हैं, भारत दूसरा सर्वाधिक कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। 25 जनवरी 2019 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील का के उत्पादन में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, याद रखना।
चीन शीर्ष देश है, चीन शीर्ष उत्पादक देश बना है, जबकि जापान तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यहां वर्ष 2006 में भारत वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील के उत्पादन में पांचवें स्थान पर था। वहीं 25 जनवरी 2019 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यह वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। WSA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2018 में 1808.66 मिलियन टन रहा, जो वर्ष 2017 की तुलना में 4.6% अधिक है। वर्ष 2018 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन 928.3 मिलियन टन उत्पादन के साथ शीर्ष पर है। वर्ष 2018 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत कुल 106.5 मिलियन टन उत्पादन के साथ द्वितीय स्थान पर है। भारत के मौजूदा उत्पादन में वर्ष 2017 की तुलना में 4.9% की वृद्धि हुई है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 66.2 किलोग्राम है, जो प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत 212.3 किलोग्राम से काफ़ी कम है। ठीक है, चलिए यही बात कर लेते हैं हम लोग विदेशिक क्षेत्र की। ठीक है, जून अंत तक 2019 में भारत का विदेशी ऋण, ठीक है, 30 सितंबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के विदेशी ऋण बाह्य ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए हैं। आंकड़े के अनुसार जून 2019 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 557.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। जून अंत तक 2019 में भारत के विदेशी ऋण की तुलना में अगर मार्च 2019 से की जाए तो यह है मार्च अंत 2019 की तुलना में 2.6% की वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद और बाह्य ऋण का अनुपात जून अंत तक 2019 में 19.8% रहा, जो मार्च अंत 2019 के स्तर के लगभग बराबर है। वाणिज्यिक उधार विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है, जिसकी हिस्सेदारी है 38.4%। इसके बाद अनिवासी भारतीय NIRI की जमाएं हैं 24%। अल्पावधिक व्यापार ऋण है 18.7% रहा। कुल विदेशी ऋण में दीर्घावधिक ऋण की हिस्सेदारी जून अंत 2019 में 80.32% थी, जो मार्च अंत 2019 के स्तर 80% से मात्र थोड़ा सा अधिक है। ठीक, विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण की हिस्सेदारी मार्च अंत 2019 के 20% से घटकर जून अंत 2019 तक 19.68% हो गई। जून अंत 2019 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक अमेरिकी डॉलर 51.5% की रही। इसके बाद क्रमशः भारतीय रुपया 34.7%, एन 5.1%, FDR 4.7% और यूरो 3.2% रहे। ठीक, बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019। 4 सितंबर 2019 को अंकटाड द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था में धन सृजन के संदर्भ में पहली बार प्रथम संस्करण डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। डिजिटल इकोनॉमी पर प्रकाशित इस प्रथम रिपोर्ट को पूर्व में सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के रूप में जाना जाता था। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक धन सृजन संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में केंद्रित, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी पेटेंटों का 75% संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के पास है, जो विश्व की 70 सबसे बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मूल्य का 90% हिस्सा है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर वैश्विक खर्च के 50% हेतु उत्तरदायी हैं। 1992 में
ग्लोबल इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी ट्रैफिक 100 गीगा बाइट प्रति दिन था, जो बढ़कर 2017 में 46,600 मेगाबाइट प्रति सेकंड हो गया। ठीक, इसके अतिरिक्त वैश्विक इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रैफिक वर्ष 2022 तक 1,50,700 गीगाबाइट प्रति सेकंड होने का अनुमान है। फिर बात करते हैं हम लोग व्यापार और विकास रिपोर्ट 2019 के बारे में। ये भी अंकटाड ने जारी किया। वर्ष 25 सितंबर 2019 को अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर है। तो बात कर लेते हैं, वैश्विक आर्थिक विकास दर 50% में है, याद रखना है। ठीक, ये 16 की है, ये 17, ये 18 और ये 19। ठीक है, याद रखना। तो जापान 0.6%, 16 में, 17 में 1.9, 18 में 0.8 और 19 में 0.8। यूएसए 1.6, 17 में 2.6, 2, 18 में 2.9 और 19 में 2.2। यूरोपियन यूनियन 2.0%, 2.5%, 2.2 और 1.1%। फ्रांस की बात करें तो 1.2%, 2.3 और 1.6 और 19 में 1.1। जर्मनी की बात करें तो 16 में 2.2, 17 में 2.2, 18 में 1.4 और 19 में 0.6। यूके की तो 1.8, उसके बाद 1.8, 1.4 और 0.9 19 में। ठीक, रूस की बात करें तो 16 में 0.3, 1.4 17 में, 18 में 2.3 और 19 में 0.5। ठीक है, विकासशील देशों की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए अफ्रीका औसत रहा है इनका 16 में 3.9, 17 में 4.4%, 4.2% 18 में, और अनुमानित अभी 2019 का जो 3.5 है। ठीक है, अफ्रीका में जिसमें देखें अफ्रीका तो 1.6, 2.7, 2.8, 2.8। तो याद रखना ये 16 का है, ये 17 का है, एक 18 का, ये 19 का। ठीक है, तो एशिया की बात करें 5.8, 5.6, 5.3 और 5.4.5। ठीक है, 16 में कितना है 5.8, 17 में 5.6, 18 में 5.3 और 19 में 5.4.5। पूर्व एशिया की बात करें तो 5.9, 5.6.2, 5.9, 5.4। चीन की बात करें तो 6.7, 6.9, 6.6, 6.1। दक्षिण एशिया की बात करें 8.8, 6.3, 6.0, 4.4%। भारत की बात करें तो भारत 16 में रहा है 8.7, 17 में रहा है 6.9, 18 में रहा है 7.4 और 19 में अनुमानित है 6.0%। ओशिनिया तो ये 16 में रहा है 1.1, 17 में 0.9, 18 में 1.4 और 19 में 2.8 अनुमानित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यही रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मंदी की वजह विश्व विकास दर वर्ष 2017 के 2018 के 3% की तुलना में कम होकर वर्ष 2019 में 2.3% अनुमानित है। अंकटाड ने भारत की विकास दर को भी घटाते हुए वर्ष 2018 के 7.4% की तुलना में वर्ष 2019 में 6% अनुमानित किया है। वैश्विक स्तर पर यह चीन की विकास दर वर्ष 2019 के लिए 6.1% अनुमानित है, जो वर्ष 2018 में विकास दर 6.6% थी। अब बात कर लेते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2019। ठीक, जून 2019 में अंकटाड द्वारा वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2018 में 6% वृद्धि के साथ भारत को लगभग $42 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।
यह निवेश मुख्यतः संचार, विनिर्माण और वित्तीय सेवाओं में प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की रैंकिंग में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाली शीर्ष 20 देशों में भारत 10वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2017 की रैंकिंग में 9वें स्थान पर था। अमेरिका तथा चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। ठीक, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.3 ट्रिलियन डॉलर रहा, हालांकि यह विगत वर्ष की तुलना में 13% कम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ष 2018 में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 देश। तो अमेरिका 252 बिलियन डॉलर, चीन दूसरे नंबर पर है 139 बिलियन डॉलर, हांगकांग तीसरे पर है 116 बिलियन डॉलर, सिंगापुर 78 बिलियन के साथ तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर है, नीदरलैंड 5वें नंबर पर 72 70 मिलियन डॉलर। यहाँ याद रखिए सर्वाधिक 2018 की रैंकिंग में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष 20 देशों में भारत का स्थान कितना है? 10। ठीक है, याद रखिए कितना? 10। और पहले पर कौन है? चीन। पहले पे अमेरिका, फिर दूसरे पर चीन। ठीक, 10वें नंबर पे भारत। चलिए तो आगे देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और प्रमुख रिपोर्टें। ठीक ठीक